यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। राही को यूं ही मंजिल नहीं मिलती है, उसको हौसला जुनून जज्बा जगाना पड़ता है। और पूछा जब मैंने चिड़िया से, मैंने चिड़िया को बुलाया, आप सोचोगे कैसे बुलाया तो सुनना। पूछा जब मैंने चिड़िया से, कैसे बना तेरा आसियाना, तेरा मकान कैसे बना है घोंसलों का, तो उसने कहा उड़नी पड़ती है। क्या बोला उसने बोला कि उड़ान बार बार भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, ऐसे ही मेरा घोंसला नहीं बना। तो वो जो चिड़िया है वो भी कह रही है कि मुझे बार बार उड़ना पड़ता है और तिनका तिनका लाकर जो है मैं घोंसला बना पा रही हूं। तो आप तो विद्यार्थी, आप समझ पा रहे हो, आप तो इंसान हो, आप में बुद्धि है और आप अब बड़ी क्लासों में आ गए हो, आपके गुरुजन आपको सलाह दे रहे हैं, आपके पिताजी माताजी आपको जो है बार बार गाइड कर रहे हैं, इतनी चीजें आपके पास है, उसके बाद भी आप फायदा नहीं उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। अपना टाइम आएगा ये आपने रट लिया है, अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम को लाना पड़ता है, टाइम को लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा टाइम। हरी बात नहीं, आपको टाइम लाना पड़ेगा। हरी बात समझे, जो मुसीबतें होती ना कि मेरे ये सोमलम है, मैं जल्दी उठता हूं, मैं लेट आता हूं, मैं घर लेट पहुंचता हूं, घर पे ये काम पकड़ाते हैं, घर में ये कराते हैं, वो सब मुसीबतें हैं। मुसीबतें विद्यार्थियों एक रूई के समान है, वो जो सवाल है कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई टफ सब्जेक्ट लग रहा है, वो एकदम रूई के समान, रूई का जो आपने देखा होगा ना बोरा, वो दूर से लगता है कि इतना बड़ा बोरा मैं कैसे उठाऊंगा। अब जैसे ही आप पास में जाके उस रूई के बोरे को उठाते हो तो आपको उसका वजन बिल्कुल नगण्य नजर आता है, जीरो, एक शून्य नजर आता है। सोचा इतना दूर से तो इतने बड़े बड़े बोरे दिख रहे थे, लेकिन पास में जाके देखा, उठाया तो देखा रूई का वजन तो बिल्कुल नगण्य है।